इस समय किसी ने अगर लोहा लिया है तो पासी समाज के लोगों ने लिया है, और पासी समाज का लोग जिनको हमको बहादुर कहना चाहिए था, वीर सपूत कहना चाहिए था, इस भारत की माटी का लाल कहना चाहिए था, अंग्रेजों के समय इनको खाना बदोश, इनको लुटेरे और बदमाश का संज्ञा दिया गया। काहे से कि अंग्रेज के बस में नहीं आते थे, अंग्रेज सबको लालच दे देते थे, केवल एक ही समाज था जिसको लालच नहीं दे पाते थे, वो था पासी समाज। और ये हमारा जो पासी बहादुर समाज था, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि वर्षों वर्षों देखिए तो अलग अलग तरीके से, मैं इनके प्रादुर्भाव की बात नहीं करता, कोई किसी प्रकार का इनका जन्म मानता, कोई किसी प्रकार का जन्म मानता है, लेकिन मैं मानता हूं कि भारत माता का असली सपूत कोई बिरादरी है तो ये बिरादरी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा देश के लिए संघर्ष किया है। उदा देवी का जिक्र आता है कहीं, वैसे तो अलग अलग बिरादरी है, लेकिन कहीं सुहेल देव राजभर के उसमें हम लोग जाते हैं, तो कहीं हम किसी और स्थान पर जाते हैं तो हम देखते हैं जिनको हम आज समाज का कमजोर वर्ग कह के पुकारते हैं, इसी प्रकार के वर्गों ने इस देश के आक्रांताओं से, इस देश के दुश्मनों से लोहा लिया है, और इसकी वजह से ही हम इस गौरवशाली इतिहास को यहां पर जानते हैं। लखनऊ में कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब माता सीता को वनवास में भेजा तो सीता माता लक्ष्मण जी के और हनुमान जी के साथ में इस लखनऊ से होकर गुजरी, जहां हनुमान जी का मंदिर बना है वहां बजरंगबली हनुमान ने वहां पर विश्राम किया, और लक्ष्मण जी भी यहीं पर रहे। कहते हैं वीर वर लक्ष्मण को लखनऊ नगरी बहुत पसंद आई, लेकिन इस बस्ती को बनाने वाले, इस बस्ती को एक रूप देने वाले, बाद में जो अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रियाएं थी उसमें अगर कोई आया तो उस व्यक्ति का, उस देवता समान व्यक्ति का नाम था महाराजा लखना पासी, महाराजा लखन पासी के इतिहास वैसे तो इतिहासकार लोग बताएंगे, मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं गोमती के तट पर उनका साम्राज्य स्थापित था, और आज भी कहते हैं कि जो टीला बना हुआ है वो लखन पासी के किले से संबंधित है। महाराजा लखन पासी हमारे लिए प्रेरणा का पात्र है, उन्होंने समाज को एकजुट रखा। उदा देवी के बारे में आता है कि उदा देवी ने पेड़ पर चढ़कर अंग्रेज